हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम WBCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक सेट का एक सीरीज चला रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, देन इंग्लिश का पूरा सेक्शन, देन हिस्ट्री का आप लोग का INM एंड एंशियंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। विद PDF भी प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहता है। तो इसका भी PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। और जो आप लोग चैनल में नए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई चार्ज नहीं लेते। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ग्रुप का। तो चलिए फ्रेंड्स, मेडिवल हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कंप्लीट किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा है। अब आप लोग ये बोल दोगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट होगा, वो गलत होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, बट कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। द नेक्स्ट है, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, जो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। तो ये तब मीर जाफर नवाब थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे मैं कन्फ्यूज्ड हूँ क्योंकि मीर कासिम मैंने बहुत जगह में पढ़ा है, बट यहाँ पे सर ने मीर जाफर यहाँ पे आंसर बोला है। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोग को और एक चीज़ बता दूँ। यहाँ सर ने बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन जो डिस्प्यूट थे गलत थे, उन आंसर भी 3-4 क्वेश्चन में गलत बताया है। और इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, 3-4 क्वेश्चन, हाँ मेरे को हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन गलत मिले हैं। और आंसर भी जो सर ने दिया था वही मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था, क्योंकि मैंने 3 सिंगानिया सर का बुक फॉलो करता हूँ। और आप लोग ने भी मेरे को पूरा स्क्रूटिनाइज कर दिया था, यानी कि करेक्ट कर दिया था, सर इसका आंसर ये होगा। तो उसके लिए थैंक्स फॉर दैट। और ये वीडियो इसलिए थोड़ा सा अपलोड करने में देर हो गया, क्योंकि मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोग का सर्च मार मार के सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस के आंसर गलत किए थे, जैसे इंडियल मैकेवेली किसे बोलते हैं हम लोग, चाणक्य को बोलते हैं, बट सर ने नाना फडणवीस करके रखा था, ये गलत है। ऐसे करके 4 क्वेश्चन गलत थे, उन सबको मैंने ठीक किया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोग को एक भी क्वेश्चन गलत ना मिले। द नेक्स्ट है, राजपूत रूलर वॉज नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, इनमें से कौन अकबर के टाइम का नहीं था, जसवंत सिंह। देन मार्केट पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। देन चहलगानी जो नोबल्स थे, यानी कि 40 नोबल्स थे टोटल, तो ये 40 नोबल्स का पावर को कम्प्लीटली ब्रोक कर दिया था गियासुद्दीन बलबान ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, हु रोट किताबुल हिंद, जिसे हम तारीख उल हिंद भी बोलते हैं, तो ये अल बेरूनी ने लिखा था। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ए ईरान के थे। देन नेक्स्ट है, 7th, हिंद व धर्म उद्धारक, यानी हिंदू के प्रोटेक्टर किसे बोला जाता है, शिवाजी को बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। देन नेक्स्ट 8, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, एक व्यूअर ने बोला था सर थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा, तो लीजिए मैं बड़ा कर रहा हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग हिंदूज फर्स्ट ज्वाइंट दीन ए इलाही, ये राजा बीरबल ने सबसे पहले ज्वाइन किया था। और राजा बीरबल का नाम, ओरिजिनल नाम महेश दास है, और ये राजा बीरबल नाम दिया था, अकबर ने नाम दिया था उनको। द नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द खालसा, ये गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ स्टार्ट किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। 10th, सती को बैन किया था, सती प्रथा को प्रोहिबिट था, ये औरंगजेब के टाइम पे, ऑप्शन डी करेक्ट है। देन 17th का 11th, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, द दिल्ली सल्तनत हु ट्रांसफर्ड कैपिटल, दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी में कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। ये 5 चीज किए थे इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये वाला थोड़ा सा जान के रखिएगा, जैसे कराची एक्सपीडिशन, देन टोकन करेंसी, देन ये कैपिटल ट्रांसफ़र करना, ये 5 गलतियां इन्होंने की थी। तो ये 5 गलतियां थोड़े से पढ़ के रखिएगा। देन नेक्स्ट है, 12th, विच हिस्टोरियन इज़ फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन मुगल हिस्ट्री, ये जादुनाथ सरकार फेमस है उनके लिए। देन नेक्स्ट है, मुगल एम्पायर हु रोट हिज ओन ऑटोबायोग्राफी, ये बाबरनामा लिखा था, बाबर ने खुद ने ही अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था। देन नेक्स्ट है, 4th, सुल ए कुल पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय, ये सुल ए कुल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, इसका मतलब है आप लोग का यूनिवर्सल पीस। देन नेक्स्ट है, राणा प्रताप बिलोंग टू विच राजपूत डेंसिटी, राजपूत डेंसिटी का फाउंडर अगर बोलेंगे सिम्हाराज होंगे, बट ये कौन से डेंसिटी से बिलोंग करते थे, ये सिसोदिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, रमजान नाम इज़ ए पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ, ये भारत का ट्रांसलेशन है, एंड आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा था, ऑप्शन बी। देन वो उनके कोट पोएट थे। देन नेक्स्ट 8, नवरत्न में से अबुल फजल एक थे। देन 18, द सिख गुरु एग्जीक्यूटेड बार, औरंगजेब ने किसको एग्जीक्यूट किया था, गुरु तेग बहादुर को किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। सतनामी रेबेलियन, ये
औरंगज़ेब के अगेंस्ट में किया गया था और 1672 में फाउंड हुआ था, सात पीपल्स ने इसको लीड किया था। तो ये किसके रीजन में होता, ऑप्शन डी औरंगज़ेब के टाइम पे। देन सेक 20 द टाइटल ऑफ राजा, राजा राममोहन राय को राजा टाइटल अकबर टू ने दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एन अकाउंट ऑफ बलबान पीरियड, बलबान के बारे में हम तारीख़ फिरोजशाही में हम लोग को मिलता है, तो तारीख़ फिरोजशाही यहाँ पे ऑप्शन में ऊपर में है। अब बोलोगे सर तारीख़ फिरोजशाही फिरोज शाह के टाइम पे ये हुआ था, अरे फिरोज शाह के टाइम पे वो कोर्ट पोएट था, बट बलबान के टाइम के बारे में उसमें इसमें लिखा हुआ है, हमको इसमें बलबान के टाइम के बारे में पता चला है। द नेक्स्ट है इंडियाज अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट विद इस्लाम कम्स फ्रॉम, ये अरे अर्बन मर्चेंट्स आए थे मलाबार कोस्ट के, उनसे कॉन्टैक्ट हुआ। जैसे आप लोग का ये इंडिया है, इंडिया का ये वाला कोस्ट कोंकण है जो गोवा में है, देन मलाबार है आप लोग का केरला, देन यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, देन यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है। तो मलाबार में आए थे सबसे पहले इस्लाम्स अरेबियन मर्चेंट्स लोग। देन नेक्स्ट है 23 द फर्स्ट मुस्लिम इनकर्सन इन डेक्कन अकर ड्यूरिंग, ये जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे अकर हुआ था, जो साउथ में सबसे पहले मुस्लिम गए थे। देन नेक्स्ट है 24 द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये हम्पी में मिलता है कर्नाटका में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 दीन ए इलाही के पहले मेंबर, अगेन रिपीट राजा बीरबल। देन तकव्वी का मतलब क्या है, जो पीजेंट्स को लोन दिया जाता था उसे तकव्वी बोला जाता था। ऑफिशियल लैंग्वेज मुगल्स का पर्शियन था, एंड इंडिपेंडेंस के पहले तक पर्शियन ही था इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज। देन नेक्स्ट है 28 हु इंट्रोड्यूस दू अस्प शी अस्प, ये इंट्रोडक्शन अगर बोलेंगे तो जहांगीर होगा, अब सर ने साझा गलती से कर दिया था, ये गलत होगा फ्रेंड्स, ये जहांगीर करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन नेक्स्ट है तोदारमल इज एसोसिएटेड विद रेवेन्यू सिस्टम एज, ये तोदारमल बंदोबस्त आप जब्ती सिस्टम को बोल सकते हैं, तो आप लोग ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे जब्ती। देन नेक्स्ट रुकिए रंजीत सिंह वॉज ए लीडर ऑफ, ये सुखेच्छाई मिसल के लीडर थे। देन काउंसिल ऑफ बारा भाईज, ये ऑर्गेनाइज किया था नाना फडणवीस ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। देन 32 आइडेंटिफाई द मुगल पेंटर नॉट मीन, अबुल फजल ने इनमें से फारूक को मेंशन नहीं किया था अपने पेंटिंग में। देन नेक्स्ट 33 विच अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वॉज नॉट ए सुल्तान, रजिया सुल्ताना जो है एकमात्र एक महिला थी जो स्लेव नहीं थी, और एकमात्र मेडिवल हिस्ट्री की महिला और शासक थी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। द नेक्स्ट है 34 विच ड्यूरिंग हुज रूल द जब्ती सिस्टम, जब्ती सिस्टम अकबर के टाइम पे था, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट है बहामानी के डायनेस्टी अब्दुल अलाउद्दीन हमशन बहमद शाह थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। देन काउंसिल ऑफ बराभाइज, अगेन रिपीट नाना फडणवीस। एंड दिल्ली सल्तनत के फाउंडर अगर बोलेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। एंड टॉम्ब ऑफ जहांगीर ये लाहौर में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन मराठा लीडर हु पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ फाउंडिंग हिंदू एम्पायर बिफोर मराठास, सबसे पहले किसने बोला था मराठास को कि हम लोग चलो एक हिंदू एम्पायर बनाएंगे, तो ये शिवाजी ने बोला था, करेक्ट आंसर यहाँ पे शिवाजी है, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, तो शिवाजी होगा। देन नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स मोहम्मद गजनी ने कितने बार इन्वेट किया था, आक्रमण किया था, टोटल 17 बार एक्सपीडिशंस किए थे, लूट मचाए थे, लास्ट वाला उसको सोमनाथ टेम्पल पे था। देन नेक्स्ट 17 पे खतरा, ऐसे करके आप लोग पढ़ते रखिए। देन नेक्स्ट है 44 इन विच ईयर डेड मोहम्मद बिन कासिम ये कनकर 712 AD में किया था। देन नेक्स्ट फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। 43 हु वॉज जलालुद्दीन मंगा बर्नी, जलालुद्दीन मंगा बर्नी रूरल थे आपके खोरिज्म के, जिसे हम खिबा भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट है हु इन्वाइटेड बाबर, यानी कि बाबर को सबसे पहले इन्वाइट आपके दौलत खान लोधी ने किया था, और इब्राहिम लोधी के थे कोर्ट से, तो दौलत फिर क्या हुआ आप लोगों का दिल्ली सल्तनत का एंडिंग हो गया, मुगल सल्तनत का फाउंडेशन हुआ पानीपत फर्स्ट युद्ध में 1526 में। देन नेक्स्ट है धाम क्या क्या मतलब है, ये धाम आप लोगों का कॉपर कॉइन है जो शेरशाह ने स्टार्ट किया था, और शेरशाह आपके सूरी डायनेस्टी के फाउंडर है, हुमायूं को हरा के ये सूरी डायनेस्टी फाउंड किया था। देन नेक्स्ट है 46 हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ए मेंबर ऑफ दीन ए इलाही, अगेन रिपीट क्वेश्चन, राजा बीरबल करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। देन 47 मुगल एम्पायर सबड्यूड द पोर्तुगीज इन बंगाल, ये शाहजहां ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। सिराजुद्दौल एसिड द थॉर्न, ये 1756 में किया था, जस्ट पानीपत युद्ध के एक साल पहले। द नेक्स्ट हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक तारीख़ फिरोजशाही, ये वो पहले आया था मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, तो जियाउद्दीन बरानी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उसके
ऑथर है। देन नेक्स्ट है 50, तोदरमल क्या है आपके, ये एक रेवेन्यू एक्सपर्ट थे अकबर के कोर्ट के, ऑप्शन बी करेक्ट है, इनके नाम पर ही तोदरमल बंदोबस्त किया गया था। देन नेक्स्ट है नसरुद्दीन चिराग, ये कौन थे, नसरुद्दीन चिराग आपके सूफी सुल्तान संत थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन नेक्स्ट 52, हु वाज द लीडर, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी लास्ट लीडर थे। देन हु वाज बाबर्स मेन एडवर्स इन बैटल ऑफ कनवा, बैटल ऑफ कनवा राणा संगा के साथ हुआ था, यहाँ मैंने पेंसिल से लिखा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ, पी के जैसे मूवी देखा था आपने, पी के लास्ट में चला गया था, पी के सी फॉर चला, जी फॉर गया, तो पी है पानीपत, के है कनवा, सी है चांदेरी एंड जी फॉर घाघरा, ये चार बैटल्स बाबर ने किए थे 26, 27, 28, 29 में, और 30 में उनका डेथ हो गया था, तो ये आप लोग थोड़ा सा जान के रखिएगा, गया थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया। देन नेक्स्ट है 54, फ्रेंड्स आप लोगों को जितना भी क्वेश्चंस एंड के डिस्प्यूट लग रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप लोगों को अलग से मैं वीडियोस प्रोवाइड करूँगा जिसमें मैं क्लास स्टार्ट कराऊँगा, ये तो सिर्फ मैं ये करा रहा हूँ आप लोगों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्लास जब कराऊँगा अच्छी तरह से समझाऊँगा फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री क्या बोलिए, जितने भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट के आप लोग का क्लास चलेंगे, WBCS एक बार कंप्लीट होने दीजिए। देन नेक्स्ट है झांकी के कोर्ट में सर थॉमस रो आए थे। देन मुगल एम्पायर ट्रांसफर्ड द मुगल कैपिटल, आगरा से दिल्ली में कैपिटल ट्रांसफ़र किया था, ये शाहजहां ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन नादिर शाह किसके टाइम पे इन्वेड किया था, ये मोहम्मद शाह के टाइम पे इन्वेड किया था, ऑप्शन सी। देन 57, हु सक्सीडेड मुर्शिद कुली खान एज द रूलर ऑफ बंगाल, ये सुजाउद्दीन ने सक्सीड किया था उसको, ऑप्शन डी करेक्ट है, बाबरनामा बाबर ने लिखा था, ये उनका ऑटोबायोग्राफी था। देन 59, हु इंट्रोड्यूस दीने इलाही, अकबर ने दीने इलाही इंट्रोड्यूस किया था, तारीख़ हिंद जो किताबुल हिंद भी बोलते हैं, तो ये किसने लिखा, अलबुरिनी ने लिखा था। देन हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान, सुल्तान बोला है फ्रेंड्स, नवाब में कंफ्यूज मत खा जाइएगा, सुल्तान इंडिपेंडेंट सुल्तान बोला है, तो ये गियासुद्दीन मोहम्मद शाह होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। देन नेक्स्ट है 62, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान हैड सेट अप ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, ये फिरोज शाह तुगलक ने इंटरव्यू स्टार्ट किया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच सुल्तान, चंगेज खान किसके टाइम पे आए थे, इल्तुतमिश के टाइम पे आए थे, इल्तुतमिश के पास एक चंगेज खान जिसको पकड़ने जा रहे थे, उसने बोला था सर प्लीज़ मेरे को आपके शरण में ले लीजिए, बट इल्तुतमिश ने बोला था नहीं मैं आपको नहीं ले सकता, नहीं तो चंगेज खान मेरी वाट लगा देगा। देन नेक्स्ट है 64, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर इबन बतूता कम टू इंडिया, इबन बतूता किसके टाइम पे आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स अकबर कुड नॉट एनेक्स, अकबर आसाम को एनेक्स नहीं कर पाया था, देन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। देन बहामानी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर क्लैश्ड फ्रीक्वेंटली ओवर द टेरिटरी ऑफ, ये रायचूर दुआब के लिए ऑल टाइम लड़ाई करा करते थे, ऑप्शन डी करेक्ट है। देन हु कॉज टू बिल्ड कुतुब मीनार इन दिल्ली, अब यहाँ पे इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ पे कॉज्ड अगर बोला है यानी कि फाउंडर बोला है, तो आप लोगों क्या आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले स्टार्ट किया था यानी कि फाउंड किया था। देन 68, टू विच प्लेस डिड मुर्शिद कुली खान ट्रांसफर हिट कैपिटल फ्रॉम ढाका, ढाका से मुंगेर इसने सॉरी मुर्शिदाबाद इसने कैपिटल ट्रांसफ़र किया था, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान, और मुर्शिदाबाद का नाम ही इसलिए मुर्शिद कुली खान के नाम पे पड़ा है। देन नेक्स्ट है 69, ड्यूरिंग हुज रीजन द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, ये जहांगीर के टाइम पे किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। 70, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्रॉट वन अशोका पिलर टू दिल्ली, ये फिरोज शाह तुगलक ने लेके आए थे, ऑप्शन डी करेक्ट है। देन 71, विच मुस्लिम इन्वेडर कॉन्कर्ड बंगाल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के टाइम पे, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ने किया था, यहाँ पे बोला जाता है लक्ष्मण सेन खाते हुए चावल खाते हुए मतलब दौड़ के भाग गए थे, ऐसा कुछ हमने सुना है, ये सच्चाई है कि नहीं पता नहीं बट हमने पढ़ा है। देन नेक्स्ट है 72, हु अमोंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉन्टेड टू बिकम सेकेंड अलेक्जेंडर एंड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, अलाउद्दीन खिलजी है। देन नेक्स्ट है
इक्ता मीन्स ड्यूरिंग सुल्तान पीरियड, सुल्तान पीरियड में इक्ता का मतलब होता है ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम ए विलेज और टेरिटरी, सैलरी के बदले लैंड डोनेट करना, लैंड देना। देन नेक्स्ट है इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी, ये क्या है, एक हाउस है जहाँ पे हम लोग रिलीजियस इबादत, तो मतलब समझ में आ रहा है, ए हाउस फॉर रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। देन नेक्स्ट नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, नादिर शाह इंडिया में 1739 के टाइम पे आया था, मोहम्मद शाह के टाइम पे। द नेक्स्ट है व्हेन डिड चंगेज का इन्वेड इंडिया, 1221 में आए थे ये, इल्तुतमिश के टाइम पे आए थे। देन शिवाजी इज कॉरोनेशन टुक प्लेस इन विच ईयर, ये कौन से ईयर में कॉरोनेशन हुआ था शिवाजी का, 1674 में होता, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन व्हाट वाज खुतबा, खुतबा मतलब क्या, ये सेरमोन रीड इन द नेम ऑफ द रूलिंग किंग एट फ्राइडे प्रेयर्स, खुतबा ऑप्शन ए करेक्ट है, फ्राइडे प्रेयर्स में जो हम लोग पढ़ाया जाता है। देन नेक्स्ट है 79, हु ऑफ द फॉलोइंग कंक्वर्ड टेरिटरी इन इंडिया एंड फाउंडेड एन एम्पायर इन द नेम ऑफ हिज एंसिस्टर्स, ये शेरशाह होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है शेरशाह, इन्होंने शेरशाह सूरी डायनेस्टी फाउंड किया था। देन नेक्स्ट है 80, व्हेन डिड बख्तियार खिलजी इन्वेड इंडिया, बख्तियार खिलजी ने 1202 में इन्वेड किया था, सॉरी इंडिया नहीं बंगाल होगा। देन नेक्स्ट है 81, नेम वन फेमस पोइट ऑफ दिल्ली सुल्तनत हु वाज एडॉर्न्ड विद द टाइटल द पैरट ऑफ हिंदुस्तान, पैरट ऑफ तोते हिंदुस्तान हम लोग अमीर खुसरो को बोलते हैं। देन नेक्स्ट है इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश था, ये उत्तर प्रदेश के ब्यौली या कल्याणी ऐसे कुछ जगह में इनका जन्म हुआ था। देन नेक्स्ट है 82, द बैटल ऑफ तरेन वाज फाउंड बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने उसको मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, बट छोड़ दिया था, छोड़ना नहीं चाहिए था, तभी वाट लगा देना चाहिए था मोहम्मद गौरी का। फिर उसके बाद 1992 में मोहम्मद गौरी ने उल्टा पृथ्वीराज चौहान को ही बंदी बना के हरा दिया। देन नेक्स्ट है 83, हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन हु बिल्ड द फेमस अदीना मॉस्क इन बंगाल, अदीना मॉस्क सिकंदर शाह ने इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन 85, नेम द बंगाली पोएट हु वॉज कॉन्कर्ड विद द टाइटल गुनाराज खान, गुनाराज खान हम किसे बोलते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए, मलाधर बासु को बोलते हैं। देन हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। एंड हु इंट्रोड्यूस कभी काबुलियत, ओ सॉरी काबुलियत एंड पट्टा किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये शेरशाह ने इंट्रोड्यूस किया था, सूरी डायनेस्टी के शेरशाह सूरी ने। देन जिंदापीर हम किसे बोलते हैं, औरंगजेब को बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है औरंगजेब। देन नेक्स्ट है नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस राशन सिस्टम, ये राशन सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स आप लोग को जितने भी रिफॉर्म्स हुए थे ना सुल्तान के टाइम पे, ये मैक्सिमम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और नेक्स्ट आप लोग का ये मुगल्स के टाइम पे अकबर ने किया था, तो ये औरंगजेब सॉरी अलाउद्दीन खिलजी और अकबर के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ के रखिएगा। देन नेक्स्ट है अमीर खुसरो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ, ये कोर्ट पोएट थे अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन हु वॉज डिफीट एट कन्नौज इन द हैंड ऑफ शेरशाह, ये हुमायूं को हराया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम, अगेन रिपीट क्वेश्चन, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी करेक्ट है। 93, हु वॉज द मुगल एम्पायर टू फाइंड हैड लिफ्ट द जजिया सिस्टम, जो एक टैक्स था सिस्टम, तो जजिया सिस्टम को हटा दिया था, ऑप्शन बी में। देन उसके बाद ही वो, अगर आप लोगों को मूवी देखा है जोधा अकबर, उसके बाद ही क्या था, अजीम शान शहंशाह ये लगाना आया था। तो नेक्स्ट है 94, हु अमंग द फॉलोइंग मराठा इज हिंदू पता पदाशी, ये बोला जाता है बाजीराव प्रथम को, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हु फाउंडेड सिखिज्म, गुरु नानक ने फाउंड किया था, ऑप्शन सी। हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल, इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल बोलेंगे तो इलिया शाह हो गए, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगल 97, हु वाज द जनरल ऑफ शेरशाह, शेरशाह के जनरल पूछा है तो बैरमजीत गौर हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। देन नेक्स्ट 98, हु वाज द हिंदू सेंट टू हैव ए डिसिपल डिसिप्लिन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो ये श्री चैतन्य है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। देन
पैरट ऑफ हिंदुस्तान अमीर खुसरो को बोलते हैं, एंड जिंदा पीर हम औरंगजेब को बोलते हैं, यहाँ पे औरंगजेब मार देता हूँ। देन नेक्स्ट है यहाँ पे अकबरनामा किसने लिखा था, या अबुल फजल ने लिखा था, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड द अकबर ऑफ कश्मीर हम जैनुलाब्दीन अकबर अकबर को बोलते हैं, इसका नाम अकबर भी लास्ट में लिख लीजिएगा, जैनुलाब्दीन अकबर पूरा नाम है। देन नेक्स्ट है 83, हु वॉज द मुस्लिम जनरल टू हैव कॉन्कर्ड बंगाल इन 13th century, 13th century में किया था बख्तियार खिलजी ने, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देन वही लक्ष्मण सिंह के टाइम पे। देन हु कन्वर्टेड सिक्स इनटू ए मार्शल रेस, मार्शल रेस यानी कि जो फाइटर्स है उनमें सिक्स को फाइटर्स में कन्वर्ट किया था, ऑप्शन बी गोविंद सिंह यानी कि खालसा पंथ में। देन नेक्स्ट है 105, हु वॉज द सिख गुरु टू बी स्लॉटर्ड बाय औरंगजेब, ये तेग बहादुर को स्लॉटर किया था, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट है रियल किंग ऑफ सुल्तान सुल्तान आती है कौन थे, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तो जस्ट फाउंड करते गए, देन उनका डेथ हो गया था। देन 107, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ से आ गया, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तब का क्वेश्चन था, ये 19 था, बट यहाँ पे 19 नहीं होगा, अभी 23 होगा। अब आप लोग बोलोगे सर पीएससी ने तो 24 आंसर लिया है, क्या कर सकते हैं यार, पीएससी जो लेता है ऊटपटांग आंसर ले लिया तो हम गलत तो नहीं बोल सकते ना, तो करेक्ट आंसर है 23 डिस्ट्रिक्ट से, 24 अगर ऑप्शन में होगा तो आप 24 मार दीजिएगा, अगर 23 ऑप्शन में नहीं हुआ तो। देन नेक्स्ट है 108, हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय एलियट एज द अकबर ऑफ द सुल्तान, अकबर ऑफ सुल्तान एलियट ने किसको बोला है, फिरोज तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को बोला है। देन नेक्स्ट है 109, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस दोक्कनी करेंसी, इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, और बाबरनामा बाबर ने लिखा है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और ओपोनेंट ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत जो सेकंड वाला हुआ था हेमू और अकबर के साथ हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट पेज चलते हैं, उसके बाद आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, तो ये लास्ट पेज है, 25 मिनट हो जाएगा, देखते हैं। शिवाजी वॉज सक्सीडेड बाय, शिवाजी के पास नेक्स्ट कौन थे, संभाजी भोसले थे, ऑप्शन ए। देन सुल्तानत, दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। जब्ती सिस्टम अकबर ने स्टार्ट किया था, देखिए अब पूरे क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट मिल रहे हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान चंगेज खान इल्तुतमिश के टाइम पे आया था। देन लीलावती वॉज ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन, ये फैजी ने किया था, अब्दुल फैजल के भाई थे अबुल फैजी। देन नेक्स्ट है 18, अंडर हुज ऑर्डर द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इन बंगाली, ये ऑर्डर जिसने दिया था, नुसरत शाह ने ऑर्डर दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन हु वॉज द ओपोनेंट ऑफ बाबर एट द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। 120, हु वॉज द हिंदू रूलर डिफीटेड ड्यूरिंग द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया ना 1191 और 1192 में हुआ था। जिन जिंदा फिर हम औरंगजेब को बोलते हैं, एंड राम रहीम एक है नाम धरा है दो, हु प्रीज ड्यूरिंग द सुल्तान, ये कबीर ने बोला था, और कबीर को दोहे तो फेमस है, आपको पता ही है, अगर आप लोगों को दोहे का बारे में अगर पता होगा तो कबीर तो आप लोगों को नाम पता ही होगा, द फेमस कबीर के दोहे हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था, ये बहुत पढ़े थे। द नेक्स्ट है 123, इब्न बतूता कम टू इंडिया, ये मोहम्मदीन तुगलक के टाइम पे आया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन नेक्स्ट है आपका विच मुगल एम्पायर ग्रांटेड दीवानी टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दीवानी शाह आलम को ने दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। द नेक्स्ट इंडियन मेकियावेली, ये दिए थे फ्रेंड्स, यहाँ पे सर ने नाना फडणवीस करके रखा, ये गलत होगा, कभी नहीं होगा ये नाना फडणवीस, ये होगा आप लोग का चाणक्य करेक्ट है। देन नेक्स्ट ये मेकियावेली है कौन, ये इटालियन आप लोग के फिलोसोफर थे, तो बहुत कुछ थे ये पॉलिटिशियन फिलोसफर रिफॉर्मर्स बहुत थे, चाणक्य को बोला जाता है मेकियावेली। देन नेक्स्ट है वास्को डी गामा 1498 में आया था, ये कलिकट में आया था। देन ये पोर्तुगीज थे। देन 127 सिख गुरु तेग बहादुर वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ, ये औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे, इनको स्लॉटर किया था औरंगजेब ने। द नेक्स्ट जब्ती सिस्टम, ये किसने स्टार्ट किया था, अकबर के कोर्ट में जेत हुए आपके राजा तुदारमल थे। द नेक्स्ट है श्री चैतन्य दे फ्लोरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये किसके टाइम के थे, ये नुसरत शाह के टाइम पे थे। द नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ तरेन
सेकंड जो था उसमें किसको हराया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। एंड हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वॉज द स्लेव इन हिज अर्ली लाइफ, अपने अर्ली लाइफ में कौन इनमें से स्लेव थे, गयासुद्दीन बलबान स्लेव थे। अगर स्लेव बोलेंगे तो इल्तुतमिश होगा, बलबान होगा एंड कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ये तीन मीन स्लेव थे। द नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड इक्ता स्टैंड फॉर, इक्ता का मतलब क्या है, ये लैंड दिया जाता था इन प्लेस ऑफ सैलरी, तो उसे इक्ता सिस्टम बोलते हैं, इल्तुतमिश ने जो किया था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो फ्रेंड्स ये है, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स, लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ विटेरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल बाय देमसेल्फ। ये आप लोग ने अगर मूवी देखा होगा बाजीराव मस्तानी, उसमें रणवीर सिंह ने ये बोला था, तो ये बाजीराव प्रथम ने बोला था। तो यहाँ पे आप लोग का पूरा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और एक मैं अनाउंसमेंट आप लोगों को कर दूँ, ये मेरा लास्ट वीडियो होगा इस सेशन में, उसके बाद कल परसों मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। हाँ एक वे आप लोग का एग्ज़ाम ले लूँगा थोड़ा सा, तो वो एग्ज़ाम दे दीजिएगा और मुझे भी पढ़ना पड़ता है, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को तब तक के लिए। 9 फरवरी में आप लोग का एग्ज़ाम है, उसके पहले एक वीडियो आप लोग का अपील कर दूंगा मैं, आंसर की तो प्रोवाइड कर ही देता हूँ। तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज़ के लिए इतना ही फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट हम लोग WBCS का एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे क्लास, तो तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।